गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः आपके इस ग्रुप में रीडर के दूसरे लेसन क्लेवर वाइफ के शेष पैराग्राफ्स को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अभी तक आपने इस कहानी के अंतर्गत जाना कि जब नाई को पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद भी एक भी पैसे नहीं मिले और शाम को जब वह घर आया, अपनी पत्नी से बोला कि आज एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, तो उसकी पत्नी उस पर गुस्सा हो गई, ठीक है। और घर से बाहर निकलते समय उसने उससे गुस्से में ये कह दिया कि तब जाओ, इफ़ यू कैन नॉट अर्न एनी मनी, यदि तुम्हें एक भी पैसे की कमाई नहीं हो सकती है, तुम एक भी पैसा नहीं कमा सकते हो, तो देन गो, तब जाओ और करो क्या, बेग फॉर सम, सम मीन्स समथिंग, जाओ और कोई चीज़ मांग लाओ, इट मीन्स जाओ भिखारियों की तरह से भीख मांग लाओ, अगर वैसे नहीं कमा के दे सकते तो अब जाओ भीख मांगो, ठीक है। गुस्से से यह बातें उसकी पत्नी उससे बोली। तो बार्बर ने क्या किया, द बार्बर थॉट दिस, बार्बर मीन्स नाई ने, थॉट मीन्स सोचा, दिस माने यह सोचने लगा, वाज ए गुड आइडिया, नाई को यह एक अच्छा विचार लगा, गुड आइडिया लगा उसे, उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है, ठीक है, सारा दिन खाली बैठने से बेहतर है कि वह जाए और कुछ मांगे, तो ये चीज़ उसे अच्छी लगी। बट वेयर वाज ही टू गो, लेकिन वो जाए कहाँ, इन आर्डर टू बेग फॉर मनी, पैसे की मांग करने, पैसे मांगने की खातिर वो जाए कहाँ, ठीक है। आगे देखें, ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से पूछा व्हेयर ही शुड गो, कि उसे कहाँ जाना चाहिए, कौन सी उपयुक्त ऐसी जगह है जहाँ वो जाए और उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो यह बात उसने अपनी पत्नी से पूछी, पत्नी ने, सी थॉट फॉर ए मोमेंट, पत्नी लगभग एक क्षण सोच में पड़ गई, सोचा बिचारा, एंड देन सी सेड, और तब उसने कहा, क्या कहा, व्हाई द किंग इज गेटिंग मैरिड टुडे, क्यों राजा, जो हमारे एरिया, हमारे क्षेत्र के जो राजा हैं, उनकी तो शादी हो रही है, गेटिंग मैरिड टुडे, आज उनकी शादी हो रही है, तो करो क्या, गो टू द पैलेस, महल जाओ, एंड आस्क हिम फॉर समथिंग, और उनसे कोई चीज़ की मांग करो, जाओ उनसे कुछ मांग लो, आज अवसर भी बढ़िया है, गोल्डन चांस है, उनकी शादी हो रही है, तमाम लोग होंगे, तो खुशी का मौका है, और इस मौके पर फ़ायदा उठा लो, जाओ उनसे कुछ मांग लो। तो क्लम्जी फिंगर्स नोडेड, वो नौसिखिए उंगलियों वाला नाई जो था, नोडेड मीन्स सर हिलाया उसने, एंड सेट ऑफ, और वहाँ से चला गया, उसने प्रस्थान कर दी। आगे क्या हुआ, ऑन रीचिंग द पैलेस, ऑन रीचिंग मीन्स पहुँचने पर, द पैलेस महल में पहुँचने पर, ही टोल्ड द ऑफिसर्स, उसने अधिकारियों से कहा, दैट ही हैड ए स्पेशल रिक्वेस्ट, कि वह एक विशेष प्रार्थना लेकर आया है, टू मेक, जो करनी है, टू किंग, किससे, राजा से, अधिकारियों से बोला, जैसे ही वो महल में घुसा, आगे उसे अधिकारी मिले, तो अधिकारियों से इसने कहा कि मैं राजा के लिए एक विशेष प्रकार की प्रार्थना लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो असर्ड into the king's present, assured means शुरुआत में, the king presence, राजा की उपस्थिति की शुरुआत में, it means जब वह राजा के समक्ष पहुँचा तो शुरुआत में ही, he bowed respectfully, वह आदरपूर्वक झुक गया, it means उसने सलाम किया, नमस्ते किया, प्रणाम किया, and begged, और विनती करने लगा, मांगने लगा, ही मीन्स उनसे, इट
राजा के लिए आया है ये, तो राजा से मांगने लगा टू गिव हिम समथिंग, कि उसे कुछ दे दें। क्या दे दें? कुछ दे दें, ठीक है। अब ये कुछ में भी डिसाइड नहीं है, ये कुछ है क्या, चूँकि इसकी पत्नी ने इसको बताया नहीं था कि कुछ मीन्स क्या लेकर आना। तो समथिंग कुछ मांगा उसने। द किंग वाज एज्यूम्ड, राजा मनोरंजित हो गए, आनंदित हो गए, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछ लिया राजा ने, व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड, कि उसे चाहिए क्या, स्पेशली क्या चाहिए, ठीक ठाक क्या चाहिए, वो चीज़ बाय नेम बताओ। तो क्लमजी फिंगर्स सडनली रियलाइज्ड, तो उस जो है नौ वो जो नौ सिखिया नाई था, उसने अचानक महसूस किया, दैट ही हैड नॉट आस्क्ड, कि उसने आस्क में पूछा, उसने पूछा ही नहीं था हिज वाइफ अपनी पत्नी से, व्हाट ही शुड बेग फॉर, कि वो मांगेगा क्या। कुछ तो कहा था लेकिन कुछ में कौन सी चीज़ होगी ये तो वो पूछना भूल ही गया, यह चीज़ उसने महसूस किया अचानक। सो ही रिपीटेड, इसलिए उसने फिर से दोहराया, जस्ट समथिंग, बस कुछ दे दीजिए, एनीथिंग, ठीक है। इस तरह से उसने राजा से दोबारा आग्रह किया, योर मजेस्टी जहाँ पना, जहाँ पना बस कुछ दे दीजिए मुझे, ठीक है। आगे देखेंगे। द किंग लाफ्ड, राजा हंसे, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दे दिया हिज मिनिस्टर अपने मंत्री को, टू ग्रांट, कि मंजूर कर लें, सुन लें, द बार्बर, किसको, नाई की बात को सुन लें, मंजूर कर लें, सम वेस्ट लैंड, कुछ बेकार की भूमि को दे दें, आउटसाइड द सिटी, कहाँ, आउटसाइड मीन्स बाहर, और किसके बाहर, सिटी शहर के बाहर। तो राजा थोड़ी देर हंसे और अपने मंत्री से बोले कि जो शहर के बाहर बेकार वाली ज़मीन है वो ज़मीन बार्बर को दे दीजिए, ग्रांट कर लीजिए इसकी रिक्वेस्ट, ठीक है, मंजूर कर लीजिए। तो द बार्बर रिटर्न्ड होम, नाई घर पर लौटा, डिलाइटेड, प्रफुल्लित होकर, इट मीन्स जब वो घर पहुंचा तो आनंदित था, प्रसन्नतापूर्वक वह घर पहुंचा। वेल आस्क्ड हिज वाइफ, तो उसकी पत्नी ने पूछा, अच्छा व्हाट डिड द किंग गिव यू, व्हाट डिड द किंग गिव, राजा ने क्या दिया यू, तुमको, राजा ने तुमको क्या दिया। तो नाई भाई बोले, क्या बोले, सम लैंड आउटसाइड द सिटी, क्या दिया, सम लैंड दिया, कुछ भूमि दी, आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर, शहर के बाहर कुछ भूमि दी, दे दी है। रिप्लाइड द क्लमजी फिंगर्स विद स्माइल, वह नाई मुस्कुरा करके बोला कि शहर के बाहर कुछ जमीन मांगी है, कुछ जमीन मुझे मिला है। ओ यू फुलिस, तो पत्नी बोली, अरे तुम मूर्ख, सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी बोली, सिंस व्हेन हैव यू बीन ए फार्मर, तुम कब से किसान बन गए, आस्किंग फॉर ए पीस ऑफ लैंड, जो तुम गए और जो है जमीन मांगने लगे, भूमि मांगने लगे, तुम किसान कब से बन गए जो तुम जाके राजा से जमीन मांग लिए। व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं, अर्थात हम क्या करेंगे विद इट, इसका, हम इसका क्या करेंगे जो तुम जाकर जमीन मांग लिए, हम किसान भी तो नहीं है, फार्मर भी तो नहीं है, ठीक है। इस तरह गुस्सा करके उसकी पत्नी उसे डांटने लगी। फिर क्या हुआ कि व्हेन हर एंगर हैड कूल्ड,
जब उसका गुस्सा कूल्ड हुआ, शांत हुआ, ए लिटिल थोड़ा सा ठंडा हुआ जब उसका गुस्सा, तो बार्बर्स वाइफ कॉल्ड आउट, तो नाई की पत्नी ने बुलाया, किसको बुलाया, टू क्लमजी फिंगर्स, उस नाई को। जब इसकी पत्नी का गुस्सा शांत हुआ तो इसने अपने पति उस नाई को बुलाया, एंड दे बोथ, अब वे दोनों क्या हुआ, वेंट टू सी, देखने गए, वेंट मीन्स गए, टू सी देखने गए, द लैंड, किसको, लैंड को, भूमि को, जमीन जो राजा ने इनको दी थी। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ इसकी पत्नी का, तो यह और इसकी पत्नी दोनों लोग उस जमीन को देखने गए। इट वाज ए लार्ज पैच ऑफ अनइवन ग्राउंड, यह लार्ज पैच था, लंबी चौड़ी भूमि थी, ऑफ अनइवन असमतल ग्राउंड, सतह वाली, लंबे चौड़े सतह वाली, खुरदरी उबड़ खाबड़ से भरी हुई जमीन थी। द पुअर वूमेन श्रैंक विद हॉरर, ठीक है, श्रैंक मीन्स कह दें सिकुड़ गई, विद हॉरर एट द थॉट, इस विचार पर, ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दे वुड हैव टू पुट इन टू प्लॉइंग द लैंड बिफोर दे कुड प्लांट एनी थिंग ऑन इट। उसके मन में एक ख्याल आया, मारे आतंक के डर में वो डूब गई, सिकुड़ गई, कब, एट द थॉट, इस विचार पर, ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क, की कितना काम दे हैड, दे वुड हैव टू पुट, उन्हें करना होगा प्लॉइंग, जोतते समय, द लैंड, उस जमीन को जोतते समय उन्हें कितनी मेहनत करनी होगी, कितनी अधिक मात्रा में मेहनत करनी होगी, बिफोर दे कुड प्लांट, इससे पहले के कुछ बोएं, एनीथिंग, कुछ ऑन इट, इस पर, उस पृथ्वी पर, उस जमीन पर कुछ उगाने से पहले उन्हें जितनी अधिक मात्रा में काम करना था, जितना अधिक कठिन परिश्रम करना था, इस विचार पर उसकी पत्नी बिल्कुल आतंकित हो गई, आतंक के सिकुड़ गई, अर्थात वह डर गई कि कितनी अधिक मात्रा में उस जमीन पर इन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी कुछ उगाने के लिए, कुछ बोने के लिए। तो इस बात से इसकी पत्नी घबरा गई उस भूमि के टुकड़े को देखते ही। बट सी वाज नेवर विदाउट एन आइडिया फार लॉन्ग, लेकिन होता क्या था, सी वाज नेवर, वो नहीं रह पाती थी, कभी भी नहीं रह पाती थी, विदाउट एन आइडिया, बगैर किसी योजना के, फार लॉन्ग, लंबे समय तक, इट मीन्स लंबे समय तक, ऐसा नहीं होता था कभी भी कि लंबे समय तक उसको कोई विचार, कोई आइडिया, कोई जुगाड़, कोई उपाय ना मिले। तो हुआ क्या, थोड़ी ही देर में उसके मन में एक जुगाड़, एक विचार आ गया, ठीक है, एक उपाय आ गया मेहनत से बचने का। कौन सा उपाय उसे सूझा, देखेंगे। सी ऑर्डर्ड हर हस्बैंड, उसने अपनी पत्नी को, उसने अपने पति को आदेश दिया, टू इमिटेट, कि नकल करे, किसकी नकल करे, हर मूवमेंट, उसकी गतिविधियों का, ठीक है, जैसे उसकी पत्नी कर रही है ठीक उसी प्रकार वो भी नकल करे, कौन, उसका पति। एंड सून दे वर बोथ वॉकिंग स्लोली ओवर द लैंड, और फिर हुआ क्या कि सून माने शीघ्र ही, दे वियर बोथ, वे दोनों वॉकिंग, चलने लगे स्लोली, धीरे धीरे, ओवर द लैंड, उस जमीन के ऊपर, ठीक है। फिर हुआ क्या कि उसकी पत्नी ने उसे सलाह दिया कि जैसे मैं कर रही हूँ, जो गतिविधि मैं कर रही हूँ, जिस तरह से मैं चल रही हूँ, जैसे एक्टिविटी मैं कर रही हूँ, उसी प्रकार से तुम भी करो मेरी नकल।
और जल्द ही नकल करते करते चलते चलते वे ओवर द लैंड पृथ्वी उस भूमि पर आ गए। ट्रेडिंग केयरफुली सावधानी से चल रहे थे विद दियर आइज ऑन द ग्राउंड, जमीन पर ठीक है उस भूमि पर अपनी आँखों को जमाए जमाए वो बहुत धीरे धीरे उस पर चल रहे थे। ठीक है, देवर सोइंग दैट देवर सर्चिंग एनीथिंग, वे ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे वो कोई चीज़ ढूंढ रहे हों, कोई चीज़ उनकी गायब हो गई हो, उसे तलाश रहे हों। इस तरह से वो एक्टिंग वहाँ पर अभिनय कर रहे थे या करने लगे। ठीक, एज इफ मानो लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ ढूंढ रहे हों। तो मैंने पहले ही बताया कि वो इस तरह से चलने लगे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए ज़मीन को, जैसे कि उनकी कोई चीज़ गुम हो गई हो, कोई चीज़ गायब हो गई हो। ठीक है, अब इतने पैराग्राफ्स इतनी लाइनों को आप रिपीट कर लें, मिला लें। शेष जो दो या तीन पैराग्राफ्स बचे हैं इनको अगले वीडियो में दिया जाएगा, तब तक इसको रिपीट कर लें, तैयार कर लें। धन्यवाद।